शुरुआती दौर काफी संघर्ष में रहा तो उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया मतलब वो मैं हर देश के सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में जाने का मैंने प्रयास किया नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों की जो पृष्ठभूमि थी जो शुरुआती शिक्षा हुई थी वो हिंदी माध्यम के स्कूलों में भी हुई थी ऐसा क्यों मतलब क्या मतलब नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी का एक दबाव उन्होंने बनाया था आजकल क्या होता है कोई हाई स्कूल पास कर लेता है अभी पढ़ाई कर रहा होता है उसके बाद भी कोई उससे पूछे क्या कर रहे हो तो कहता था बेरोजगार बेरोजगारी का ये मतलब नहीं है ये आपको प्रोफेसर बना था और उस तरीके से करना था तो फिर अचानक से राजनीति में उसकी पृष्ठभूमि उन्नीस सौ में ही शुरू हो गई जब दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन से जुड़ गया तो उसकी गतिविधियां तो एबीवीपी जो है वो दलगत राजनीति का काम करता है आपने चुनाव लड़ा और उसमें आपने एक बहुत भावी प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे जी को एक भारी मतों से आपने सपा के प्रत्याशी को आपने हराया था हालांकि पहली ही बार जब टिकट मिलने के बाद अपने क्षेत्र में पहुंचा जितना जोरदार स्वागत किया पार्टी कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने लोगों ने बताया कि कभी किसी प्रत्याशी का पार्टी का टिकट लेकर आने के बाद इस तरह का स्वागत नहीं हुआ योगी सरकार में आपको बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का एक जिम्मेदारी दी गई तो इसको आप किस तरीके से देखते है ऐसी तो कोई अपेक्षा नहीं थी कि मैं मंत्री बनूंगा लेकिन जब मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ अगस्त दो में और मुझे सूचना आई तो एक बार फिर से मेरे टिकट मिलने और मेरे चुनाव जीतने जैसा ही अप्रत्याशित था हाँ जरूर मैं अपने को तो भाग्यशाली समझता हूँ तब आपके सामने कौन-कौन सी मुख्य चुनौतियाँ ऐसी रही थीं जिसका उनको सॉर्ट आउट करने का आपने बीड़ा उठाया था आ, यह विभाग तमाम नकारात्मक वजहों के कारण से जाना जाता था रोज सुर्खियों में रहता था और नेगेटिव चीजों के कारण रहता था तो आ, मेरे मन में यही संकल्प आया उस रात जिस रात सूचना मिली मीडिया के माध्यम से ही कि मुझे बेसिक शिक्षा विभाग मिल रहा है कि मैं ऐसी कोई कोशिश करूं कि सकारात्मक वजहों से ये विभाग जाना जाए